Hey guys, बहुत सारा लोग मुझको बोल रहा था कि एक चीप प्राइस में जो कलर पेंसिल मिलता है उसका एक रिव्यू मैं बना के लाऊं। तो बस मैं आपके लिए लेके हूँ, मेरे घर पे कुछ पेंसिल पड़ा हुआ था जो कि काफी अच्छा खासा पेंसिल है। तो क्या क्या पेंसिल है ये सब कुछ पेंसिल एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कि पहला वाला है वो है क्रेयोला, जो कि अच्छा खासा ब्रांड है। दूसरा वाला जो है फेवर क्रिस्टल, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जाता है। तीसरा वाला जो है कैमलिन, जो बहुत ही मैंने आज तक इसका इस्तेमाल किया ही नहीं हूँ, बस आज मैं इसका इस्तेमाल करके देखूंगा कैसा है। देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है। तो सब मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। और चौथा वाला जो कि है डोम्स, इसका तो मैं कितना तारीफ करूंगा यार, ये वीडियो स्पॉन्सरशिप नहीं है, फिर भी मैं इसका तारीफ करते रहता हूँ हमेशा जब मैं कंपेरिजन वीडियो बनाता हूँ। तो खैर आज का तो वीडियो है यहाँ पे, मैं इस चारों का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे आप बने रहिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना कष्ट करके मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ तो एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, तो कर दो। तो बस आज कंपैरिजन शुरू करते हैं। मैं इन चारों से एक दसा कलर यहाँ पे चूज किया हूँ। तो पहला वाला जो है वो है क्रेयोला, इसका मार्केट प्राइस है 2000 रुपीज और ये 50 शेड में मिलता है। दूसरा वाला जो है वो है डोम्स, 24 शेड में मिलता है, सिर्फ 100 रुपीज। उसके बाद है मेरे पास फेवर कैस्टल बाइपोलर, जो 24 शेड में मिलता है, उसका जो प्राइस है 140 रुपीज है। और जो लास्ट में है एकदम चीप वाला वो है कैमलिन, सिर्फ 40 रुपीज में मिलता है और 12 शेड का मैंने यहाँ पे खरीदा है। आप 24 शेड में भी आप खरीद सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे पिगमेंट चेक करूंगा, ये है क्रेयोला, आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छा एक ब्राइट कलर हमको मिल रहा है और ये बिल्कुल डस्ट फ्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी डस्ट हमको नहीं मिल रहा है, पिगमेंट काफी अच्छा है। अब देखते हैं हम इसका ब्लेंडिंग किस तरह से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ब्लेंडिंग भी अच्छा खासा हमको यहाँ पे मिल रहा है, मैं एक दूसरा कलर से भी करके देखूंगा यहाँ पे। तो क्रेयोला से बहुत ही अच्छा खासा ब्लेंडिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पेंसिल है वो है डोम्स कलर पेंसिल, इसका पिगमेंट आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइट है, वाइब्रेंट लुक हमको मिल रहा है, सिर्फ इसका 100 रुपीज है और 100 रुपीज में इतना एक प्रोफेशनल लेवल का कलर हमको यहाँ पे मिल रहा है। ये भी डस्ट फ्री है और इसका जो लीड है काफ़ी अच्छा लीड ये देता है, मैंने इसको बहुत बार शार्प भी किया है लेकिन ये टूटा नहीं है। उसके बाद आया ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग भी हमको अच्छा खासा ही मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा मैं यहाँ पे प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इसका जो कलर है काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो पाया है। अब बारी है ब्लू कलर का, क्रेयोला जो 50 शेड में मिलता है ये अच्छी बात है, जो डोम्स है वो सिर्फ 24 शेड में मिलता है, आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। तीसरा जो कि बहुत ही पॉपुलर पेंसिल है वो है फेबर कैस्टल, ये 24 शेड में मिलता है, ये ऑयल बेस्ड पेंसिल है तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कलर बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि जो मेरा पेपर है वो बहुत ही सॉफ्ट पेपर है, स्मूथ सरफेस है, इसलिए इसका कलर अच्छे से नहीं आ रहा है। अगर आप रफ पेपर पे करोगे या फिर टेक्सचर पेपर पे करोगे काफ़ी अच्छे से कलर बाहर आएगा, मेरे यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी इसका जो पिगमेंट है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम ब्लेंडिंग करके देखते हैं ब्लेंडिंग किस तरह से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फेबर कैस्टल कलर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉपुलर कलर है, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर पेपर पे अगर करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा और स्मूथ पेपर पे जब करोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको लेयर वाइज करना पड़ेगा तभी आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ब्लेंडिंग भी अच्छा खासा यहाँ पे लग रहा है, मैंने जैसा सोचा था उतना अच्छा नहीं लग रहा है और इसका लीड भी काफ़ी अच्छा है, मैंने बहुत इसको हार्ड करके प्रेस किया फिर भी ये नहीं टूटा है। अगर हम फेबर कैस्टल को डोम्स और क्रेयोला से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से डोम्स का जो कलर है काफ़ी अच्छा हमको अभी तक लग रहा है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्रेयोला और जो थर्ड पोजीशन है वो है फेबर कैस्टल। फेबर कैस्टल अच्छा होगा अगर हम रफ सरफेस पे यूज़ करेंगे तो। और जो लास्ट पेंसिल है वो है कैमलिन, सिर्फ 40 रुपीज़ का। ओ गॉड, इसका कलर आप देख सकते हैं, इतना मैंने सोचा भी नहीं था इतना खराब होगा ये पेंसिल। इसका पिगमेंट देखिए कुछ बाहर ही नहीं निकल रहा है और मैं यहाँ पे काफी प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ फिर भी इसका जो कलर है नहीं आ रहा है। दूसरा कलर से भी हम देख लेते हैं, सेम यहाँ पे
मैं यहाँ पे लेयर वाइज कर रहा हूँ, फिर भी इसका कलर बाहर नहीं निकल रहा, इसका पिगमेंट एकदम बेकार सा है। इतना मैं प्रेशर दे रहा हूँ कि पेपर फट जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। बाकी से आप देख सकते, कंपेयर करके देखिए भाई, क्या 40 रुपीज़ में क्या कलर दे दिया। सच में मेरा एकदम तो दिमाग हिल गया इसको देख के। इसका ब्लेंडिंग में करके देखता हूँ, इसका एकदम मैंने बहुत हार्ड करके मैंने प्रेस किया है, अभी मेरा शायद पेपर फट जाएगा, इतना मैंने यहाँ पे प्रेस किया हूँ, फिर भी इसका कलर तो एकदम बेकार से भी बेकार है। ये थोड़ा सा कंपनी थोड़ा और अच्छा बना सकता था, ये ऐसा एकदम बेकार पेंसिल क्यों बनाते हैं। ब्लेंडिंग अच्छा खासा यहाँ पे लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो पिगमेंट है, पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लेयर बना रहा हूँ ऊपर, फिर भी इसका थोड़ा सा ब्राइट हुआ है, बहुत मैंने हार्ड प्रेस किया है, पेपर फट जाएगा अब। बस ये दिखना बाकी था, मैंने बोले था आपको पेपर खराब होगा नहीं तो पेंसिल खराब होगा, इसका जो पिगमेंट है वो आता नहीं है, और इतना जोर से मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, पेपर फटेगा नहीं तो पेंसिल टूटेगा। तो मेरे ख्याल से जो ये कैमलिन का पेंसिल है, ब्लेंडिंग अच्छे से हो पाता है, लेकिन इसका जो पिगमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कंपैरिजन आपके सामने है क्रेओला, डोमस, फेवर क्रिस्टल और कैमलिन का। मैं साइड में इसका नंबर 10 में से नंबर दिया हूँ, तो देखते हैं। क्रेओला जो है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 2000 रुपीज़ है, फिर भी अगर हम इसको डोम्स से कंपेयर करेंगे, डोम्स सिर्फ 100 रुपीज़ में मिलता है, फिर भी क्रेओला से ज़्यादा अच्छा खासा लगता है, ब्लेंडिंग भी अच्छा खासा होता है। तो क्रेओला जो है मैं उसको 10 में से 8 मार्क्स दूंगा, डोम्स जो है वो 9, फेवर कस्टल भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे स्मूथ पेपर पे किया हूँ तो इसलिए इसका कुछ ऑयली ऑयली जैसा लग रहा है, अगर हम यहाँ पे टेक्चर पेपर नहीं तो रफ पेपर पे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। मैं यहाँ पे फेवर कस्टल को दूंगा 8, और जो लास्ट में है वो है कैमलिन। आप खुद ही देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है और इसका ब्लेंडिंग कितना अच्छा है, अगर आपको पैसा बर्बाद करना है तो आप इसको ज़रूर से खरीद सकते हैं। बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप मुझको पूछेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा डोम्स हमेशा की तरह, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा पैसा बर्बाद करना है और शो ऑफ करना है तो आप ये क्रेओला कलर पेंसिल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने खरीदा था, लेकिन आज तक इसका मैंने अच्छा खासा इस्तेमाल नहीं किया। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।